डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। पिछले 7 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG ने प्रगति की है। NMCG ने गंगा नदी के किनारे स्थित 5 प्रमुख राज्यों में उत्पन्न होने वाले कुल अनुमानित सीवेजों के केवल 20% का उपचार करने में सक्षम उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा 2024 तक इसके लगभग 33% तक बढ़ने की उम्मीद है और दिसंबर 2026 तक 60% सीवेज का उपचार करने में सक्षम होंगे। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG के बारे में। तो 12 अगस्त 2011 को NMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद के तहत NMCG को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूह यानी SPMG द्वारा समर्थित किया जाता है। ये भारत सरकार द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके गंगा नदी के प्रदूषण को साफ करने हेतु एक पहल है। चलिए अब जानते हैं NMCG के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में। तो इसके लक्ष्य और उद्देश्यों में शामिल है राष्ट्रीय गंगा परिषद के अधिदेश को पूरा करना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी तथा नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी का कायाकल्प करना और पानी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना। चलिए अब नजर डालते हैं इसके संगठनात्मक संरचना पर। अधिनियम में गंगा नदी के पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के उपाय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर 5 स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है। पहला है भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद। दूसरा, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में गंगा नदी पर सशक्त कार्यबल यानी ETF। तीसरा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG। चौथा, राज्य गंगा समितियां। और पांचवा, राज्य में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से सटे प्रत्येक निर्दिष्ट जिलों में जिला गंगा समितियां। NMCG के पास एक 2 स्तरीय प्रबंधन ढांचा है और इसकी शासी परिषद और कार्यकारी समिति भी है। इन दोनों का प्रमुख महानिदेशक NMCG होता है। कार्यकारी समिति को 1,000 करोड़ रुपए तक की सभी परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार है। चलिए अब जानते हैं NGC यानी राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी NGC गंगा नदी के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद है। इसकी स्थापना 2016 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। बाद में एक आदेश के अनुसार राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन को भंग कर दिया गया और इसकी जगह NCG ने ले ली। ये परिषद प्रदूषण को नियंत्रित करने और गंगा नदी बेसिन को पुनर्जीवित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। परिषद गंगा की सफाई के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भी जिम्मेदार है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसकी स्थापना 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। और दूसरा कथन, ये भारत सरकार द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके गंगा नदी के प्रदूषण को संबोधित करने के लिए की गई एक पहल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।